रविवार को गेहूं के खेत में बोझ बांटते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दयाराम यादव पुत्र पलकधारी यादव उम्र 50 वर्ष की मौत हो गई। ये मामला आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के त्रिपुरा खालसा देवगन का है। किसान अपने बच्चों के साथ गेहूं की कटाई के बाद बोझ बांध रहे थे। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हुई तो वहीं बच्चियां बाल बाल बच गईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर महाराजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। महाराजगंज पुलिस द्वारा दयाराम यादव जी को आनंद फानंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज लाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पंचनामा भरकर महाराजगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से मृतक दयाराम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक दयाराम यादव की एक लड़का दो लड़कियां हैं। मृतक खेती बाड़ी का कार्य करके अपने और परिवार का भरण पोषण करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। क्या नाम है बेटा? नीलम यादव। नीलम यादव, कौन सा गाँव है? नवरत्नपुर खालसा। क्या हुआ था खेत में, आप लोग काम कर रहे थे पिताजी के साथ? आकाश में बिजली में मार दी है। क्या नाम है पिताजी का? मिस्टर दयाराम है। बाबा जी का आपका क्या नाम है? सरजी पलकधारी है। एक कहाँ की घटना है, किस समय हुआ था? यह लगभग एक घंटे पहले हुआ था। अच्छा, खेत में आप लोग क्या कर रहे थे बेटा? बांध रहे थे गेहूँ। बांध रहे थे। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक भाई दो बहन। दो बहन हैं।